तो भाई फाइनली रियलमी का मोस्ट अवेटेड मोबाइल आ गया है, इंडिया में लॉन्च हो गया कल, रियलमी का 10 प्रो प्लस सीरीज। काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था इसका कि कुछ बड़ा धमाका करने वाला है रियलमी, कुछ बड़ा धमाका करने वाला है, बस इसी इंतजार में थे सब लोग। तो फाइनली रियलमी ने धमाका कर ही दिया है भाई, और दो तीन चीज़ें ना बहुत बढ़िया लेके आया है इस मोबाइल में, जो मतलब इसकी हाईलाइटेड है। पहली है इसकी कर्व डिस्प्ले, वो भी अच्छी चीज़ लेके आया, रियलमी अब तक किसी मोबाइल में लेके नहीं आया था कर्व डिस्प्ले, इसमें लेके आया, अच्छी चीज़ है। सेकंड नंबर है इसका प्रोसेसर, भाई मीडियाटेक का प्रोसेसर लेकर आया, अब तक का सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है इंडिया में। और नंबर तीन है इसका कैमरा, 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें लेके आया है। तो यही तीन जो सबसे मेजर पॉइंट है ना इसके, जो सबसे हाइलाइटेड पॉइंट है, जो आप लोगों को इस फ़ोन की तरफ आकर्षित करेंगे। तो आज इसी फ़ोन की बात करते हैं, कैसा ये फ़ोन है, कैसा नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए, इसके प्राइस क्या है, क्या क्या फीचर आते हैं इसमें, बस इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। भाई देखो डिस्प्ले एकदम खतरनाक, एकदम मज़ेदार, एकदम बिल्कुल तमतमाती हुई डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ का, क्या है क्या नहीं, बढ़िया डिस्प्ले होगी भाई। फिर तो देखो फुल एचडी प्लस की है, और मतलब साइज़ भी ठीक है, 6.7 इंच का साइज़ सही होता है मोबाइल के लिए। और भाई 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ आती है डिस्प्ले, तो गेम वेम खेलने में भी आपको इसमें पूरा मज़ा आएगा भाई। और कर्व डिस्प्ले है भाई, जो इसका सबसे मेन पॉइंट है ना, जो सबसे मेन पॉइंट है इसका, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले है, नहीं तो आपको ना जाके 40,000-50,000 वाले मोबाइल में आपको जाके कर्व डिस्प्ले मिलती है। और अब बात करते हैं इसके सेकंड हाइलाइटेड पॉइंट के बारे में, जो है इसका प्रोसेसर। तो भाई इन्होंने मीडियाटेक डायमेंसिटी का ना 1080 का प्रोसेसर दिया है, ये एक 5G प्रोसेसर है भाई, और मतलब अब तक का ना किसी मोबाइल में अब तक प्रोसेसर नहीं आया इंडिया में, तो वो फर्स्ट मोबाइल है जिसमें आप लोगों को डायमेंसिटी का 1080 का प्रोसेसर मिल जाएगा। तो ये भी एक देखो अच्छी चीज़ है इस मोबाइल की, यूनिक बनाती है इसको, थोड़ा सा बाकी मोबाइलों से अलग बनाती है। अब देखेंगे प्रोसेसर कैसा है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है नहीं उतरता है। भाई देखो हवा तो बहुत बना रखा है इस प्रोसेसर का, देखते हैं स्नैपड्रैगन की टक्कर का है या नहीं, उससे टक्कर ले पाता है, 8 Gen 1 से टक्कर ले पाता है, 888 से टक्कर ले पाता है, कौन से प्रोसेसर से टक्कर ले पाता है स्नैपड्रैगन के। और भाई 2.6 GHz के इसमें आप लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके थर्ड हाइलाइटेड पॉइंट पे, जो कि है इसका कैमरा। भाई इसमें इन लोगों ने ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप दिया है, जो इसका फर्स्ट कैमरा है वो है 108 मेगापिक्सल का, जो इसका सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, मतलब सीधा 108 से 8 पूरा का पूरा 100 का अंतर, बट चलो ठीक है। जो थर्ड कैमरा है वो इसका 2 मेगापिक्सल का। और भाई फ्रंट की बात कर ले अगर, तो इसमें इन्होंने 16 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा दिया है। तो भाई देखो 108 मेगापिक्सल दिया तो है, अब देखते हैं कितना अच्छा है नहीं है, नहीं तो सबसे पहले 64 मेगापिक्सल जो लेके आया था ना, वो रियलमी लेके आया था अपने XT मोबाइल में, बट उस हिसाब का कैमरा था नहीं इसका, जिस तरीके से इसने मार्केटिंग की थी कि ये 64 मेगापिक्सल है, ये है वो है, देखते हैं कैसा कैमरा निकलता है इसका 108 मेगापिक्सल तो इन्फिनिक्स भी दे रहा है, बाकी कंपनियाँ भी दे रही हैं, बट एक्चुअल में होना भी चाहिए ना भाई कैमरा 108 मेगापिक्सल का, ठीक है 108 मेगापिक्सल दे दिया, पर उस तरह की मतलब उसकी इमेज भी तो आनी चाहिए ना। और भाई इसके रियर कैमरे से आप लोग 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि 30 FPS तक मतलब रिकॉर्ड हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, 60 FPS पे आप इस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते 4K वीडियो, और 20x तक आप इसको जूम कर सकते हैं इसके रियर कैमरे को, फ्रंट कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरे से आप इससे HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी सिर्फ 30 FPS तक, उसमें भी आप 60 FPS नहीं कर सकते वीडियो रिकॉर्ड। और भाई 5G फ़ोन है आप लोगों को पता ही है, इसमें आप लोगों को 3.5mm का जैक नहीं मिलता है, Type-C का जैक मिलता है चार्जिंग के लिए भी और ऑडियो के लिए भी। और भाई अगर इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें, तो इसमें आप लोगों को UI का 4.0 मिल जाता है, जो कि Android 13 पर बेस है। और भाई बैटरी की बात करें, तो 5000mAh की इसमें आप लोगों को बैटरी मिल जाती है, जो कि 67W के सुपर हूप चार्ज के साथ आती है। भाई ये भी देखो एक प्लस पॉइंट है इस मोबाइल का, फटाफट से जल्दी से मोबाइल चार्ज करो, थोड़ी टाइम कम है, जल्दी चार्ज करनी है बैटरी, करो फटाफट से चार्ज 67W के सुपर हूप चार्ज से। और भाई बात करें अगर इसके वेरिएंट की, तो ये दो वेरिएंट में आता है, एक है 8GB रैम और 128GB रोम के साथ, जो दूसरा वेरिएंट है इसका वो है 6GB रैम और 128GB रैम, तो मतलब इसमें 256GB का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को। और भाई अगर बात करें इसके प्राइस की, तो जो इसमें 6GB 128GB वाला वेरिएंट है वो आप लोगों को पड़ जाएगा 23,999 रुपये का, और जो 8GB 128GB वाला वेरिएंट है वो पड़ेगा आपको 25,999 रुपये का। और भाई इसकी सेल 14 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 14 दिसंबर से इसकी सेल स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट पे, अगर आप लोगों को खरीदना है तो आप 14 तारीख से इसको फ्लिपकार्ट पे जाकर खरीद सकते हैं। और भाई अगर मैं बात करूं कि क्यों आपको ये मोबाइल लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, देखो अगर आप लोगों को कर्व डिस्प्ले पसंद है और प्रोसेसर भी अच्छा है, मतलब गेमिंग के शौकीन हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत, और फोटोग्राफी का भी शौक है, तो आप इसको ले सकते हैं बेझिझक, क्योंकि भाई 25,000 की रेंज में ना बहुत बढ़िया फीचर दे रहा है, बहुत बढ़िया फीचर बोलते हैं इसको, आपको 25,000 में कर्व डिस्प्ले मिल रही है, प्रोसेसर बढ़िया मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, 67W की सुपर चार्ज भी मिल रही है, देखो इस प्राइस में ना बहुत बढ़िया है। अगर मैं मानता कि 40-45 हज़ार रुपये में
तो मैं कहता कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बट 25,000 की रेंज में ना भाई बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छी फीचर के हिसाब से इसके देखा जाए तो। और छोटी मोटी कमियों की बात करूँ तो देखो 3.5 mm जैक नहीं है, वो तो चलो उसको हम अच्छाई में भी ले सकते हैं, बुराई में भी ले सकते हैं। और वैसे तो अभी कोई खास मुझे इसमें कमी दिखाई दी नहीं है भाई। देखो देखते हैं प्रोसेसर इसका कैसा निकलता है, बाकी तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो बस भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपका जो भी फीडबैक है, अच्छा बुरा जो भी फीडबैक है, इस मोबाइल को लेकर क्या फीडबैक है आपका, अब वो भी बताइए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।